दोस्तों लोग यहाँ पहुँच गए ढेकी कूटने और देखिए यहाँ दो को बच्ची और दोस्तों हमारे रोटी बहुत ही अच्छे अच्छे बन रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग इतना सा रोटी बना लिए हैं, ये देखिए और कितना अच्छा अच्छा हम लोगों का बना हुआ दोस्तों पुआ रोटी, चावल का पुआ रोटी। और देखिए यहाँ भी हम लोग के बने हुए हैं और काफी अच्छे अच्छे बनाए हैं रिया। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों अभी 8 बज रहे सुबह के और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली भी। दोस्तों अभी दिवाली तो खत्म नहीं हुई है और कल ग्रहण लगी थी दोस्तों कल अच्छे से पूजा पाठ नहीं लोग करे थे गाँव में और हम लोग भी नहीं किए थे। और दोस्तों आज के दिन में सभी लोग आज पकवान बनाते हैं। हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, हमारे इधर का ये कल्चर है कि आज के दिन में पकवान बनाते हैं और बहुत मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं दोस्तों। तो हम लोग भी आज पकवान बनाएंगे और याद इधर चावल ले लिए दोस्तों और चावल के ही पकवान बनाते हैं। तो नया ही सूप मिलेगा। हाँ, और ये नया सूप है दोस्तों जो लोग मार्केट से खरीद के लाए थे और नया सूप में ही आज के दिन में पटकते हैं। तो याद ही चावल ले लिया और पटकेंगे चावल को, पहले साफ कर लेते हैं। हाँ, पर बहुत आज अच्छा अच्छा पकवान सभी लोग बनाते हैं, आज हम लोग भी बनाएंगे ना। हाँ, चावल का पकवान, चावल हो गया दोस्तों पटका हुआ अच्छी तरह से। रियाजी चावल को पटक लें तो पहले लोग चावल को फूलने देते हैं। हो गया, छोड़ दीजिए, अब सब भूसा निकल गया है, जो धूल कण रहते हैं, जो पत्थर उत्थर रहता सब निकल गया होगा। इसको अभी पानी में भी देते हैं फूलने के लिए, लगभग आधा एक घंटा देना पड़ता है फूलने के लिए, तब जा करके चावल अच्छे से फूलेगी। अब इसको ढक के रख देते हैं। हाँ, सूप किसमें ढक दीजिए, ये प्लेट है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से ढक देते हैं और फिर हम लोग अभी पहले गोबर से लेप लगाएंगे, क्योंकि जहाँ खाना बनाते हैं ना वो लेप लगाते हैं। तो हम लोग का तो घर ही अभी अधूरा है दोस्तों, तो उतना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करेंगे, काम कम्प्लीट हो ही नहीं पाया। जैसे हम लोग सोचे थे कि दिवाली तक हो जाएगी तो नहीं कर पाए। तो हम लोग यही रूम में हम लोग पकवान बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि किचन भी हम लोग का अधूरा है। तो सामान सब इधर रख देते हैं। हाँ, सारा सामान को हम लोग खाली करते हैं और इसको हम लोग पहले अच्छे से लेप लगा लेंगे गोबर का। और पहले हम लोग टाइल्स वाला डिजाइनिंग का लेप लगाए थे, तो वैसे ही लगा देंगे, जल्दी हो जाएगा। रिया जी के साथ दोनों को मिल करके लगाएंगे ना, तो जल्दी हो जाएगी फटाफट। हम काला लगाते जाएंगे, रिया जी सफेद, या तो हम सफेद वो काला, जल्दी हो जाएगा। चले सर, सामान को पहले बाहर निकाल के रख देते हैं। और इसमें भी हम लोगों का सामान इसमें ढक के रखा हुआ है, बर्तन उर्तन वगैरह है। हाँ, सब हो गया ना? हाँ, हो गया। बस अब झाड़ू लगाना, धूल भी लेकिन काफी उड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा। तो काम हुआ ना, तो गर्दा नीचे गिरा है ना, उसी का धूल है दोस्तों। हमारी हो गई है सफाई, क्या हुआ, रिया जी सारा कचरा को उठा दिए वो पथिया में, उसको रहने देते ना, जलेगा। हाँ, इसको रहने दे, इसको रहने देते हैं। चलिए अब मिट्टी फुलाते हैं और गोबर ले आते हैं। हाँ, तो हम लोग अभी सफेद और काला मिट्टी से भी हम लोग लेपेंगे इसको, तब से हम लोग का चावल भी फूल जाएगा। चावल भी फूल जाएगा, तो पहले लोग वो सब लेप बना लेते हैं ना। हाँ, बना, गोबर चुन करके लाते हैं, फिर सफेद मिट्टी का लेप को बनाएंगे। दोस्तों ये है सफेद मिट्टी जो हम लोग बोरा में ला करके रखे हुए, लेकिन ये भी हम लोगों का अंतिम हुआ, ये हम लोग का अब खत्म होने चला। इसमें डाल दे, तो हम लोग दोनों हम लोग घोल बना लेते हैं, गोबर का घोल और सफेद मिट्टी का घोल। हाँ, इसको फूलने दे के उसके बाद जाएंगे गोबर लाने। हाँ, और पूजा पाठ के दिन में खास करके ना गोबर से लेप लगाना ही चाहिए, और लेप लगाते हैं क्योंकि शुद्ध माना जाता है। रिया जी को लगा दे रहे हैं सफेद मिट्टी, देखिए इधर गाल दिखाइए, कितना सफेद हो गया। नहीं, इसको फूलने दीजिए, इसमें और ज्यादा। तो चलिए हम लोग इसको डाल दिए सफेद मिट्टी, अब हम लोग लेकर के आते हैं गोबर, उधर चुनेंगे, उधर जाकर के टाँड तरफ खेत तरफ उसी में चुन के लाएंगे। हाँ, पानी इसमें थोड़ा सा और डाल दीजिए, पानी यहाँ डाल दीजिए और उसमें हम लोग चुन के लाते हैं गोबर। मेरे हाथ पूरा सफेद हो गया सफेद मिट्टी से। चलिए चलिए,
और हम लोग जाते हैं दोस्तों अब गोबर चुनने, इधर टाड़ तरफ गोबर चुन के आते हैं फिर लेप लगाएंगे। और ये देखिए दोस्तों बाहर में ही मिल गए गोबर, है ना, देखिए वहाँ गोबर है यहाँ है। रिया जी यहाँ उठा रहे, हम ये वाला उठा ले रहे हैं, ज्यादा दूर भी हम लोग को नहीं जाना पड़ा गोबर चुनने, नहीं तो अभी हम लोगों को पता नहीं किधर किधर अभी घूमना पड़ता है ना, पूरा काला हो जाएगा गोबर से, हो जाएगा ना। हाँ, इसे भी काला बहुत है। काफी हम लोगों को गोबर मिल गया है ना जी। हाँ। चलिए दरवाजा खोल के आ रहे, थोड़ा सा खुलने दीजिए, इसे पानी डाल दीजिए ना, पानी डाल दे इसमें। हाँ, इसमें डाल। चलिए गोबर का हम लोग लेप अब बना रहे हैं, सफेद मिट्टी तो इधर हम लोग का फूल ही गया होगा। दोस्तों हो गया हमारा लेप बनाया हुआ, रिया जी इधर सफेद मिट्टी का लेप बना रहे हैं और हम इधर गोबर का लेप बना लिए, काला मिट्टी यानी सफेद और काला का दोनों का मिक्स रहेगा। और चलिए सबसे पहले हम चूल्हा को लेप लगा देते हैं, रिया जी हर एक दिन लेप लगाते हैं तो आज हम लगाते हैं चूल्हा में लेप। चलिए हम अपना ले लेते हैं डेस्की को, काफी भारी है जी। चलिए दोस्तों मेरा हो गया है लेप लगाया हुआ, चूल्हा को पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ लेप लगा दिया दोस्तों, तो बढ़िया से हो गया चारों तरफ लेप लगाया हुआ चूल्हा, देखिए कितना अच्छा लगा दिए। अच्छा ठीक। और ये इधर सफेद मिट्टी का लगा रहे हैं और हमको लगाना है काला मिट्टी, चलिए अब हम भी अब शुरू करते हैं काला मिट्टी लगाना। दोस्तों हमारी हो गई लिफा हुआ बस, और दो चार को बस अब टाइल्स बाकी है डिजाइनिंग बनाना, तो हम लोग लिप लिए रिया जी के साथ, इसी जगह बाकी है बस इधर ही बाकी है, इधर दो तीन को बाकी है और ये साइड में बाकी है, पूरा हम लोग लिप लिए दोस्तों, सब लोग देख पा रहे हैं, ये काफी खूबसूरत लगता है ना। हाँ, लिखने से बहुत अच्छा लगता है। और देखिए अब काफी अब खूबसूरत लग रहा है हमारा टाइल्स, ऐसे और भी बहुत सारे डिजाइनिंग आते हैं बनाने, तो अभी यही वाला बना दिए क्योंकि आसान पड़ाई वाला पहले लेसा हुआ था ना, इसे ऊपर बना दिए आसान हो गया। चलिए हो गया। चलिए रिया जी के हो गए और मेरे बाकी हैं दो का, तो हम भी उसको पूरा देते हैं। दोस्तों हो गया लेप लगाया हुआ गोबर का लेप, और आज भी हमारा रूम एकदम टाइल्स की तरह दिखने लगा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, और काफी इजी ये टाइल्स वाला डिजाइनिंग बनाना, लाइनिंग कर दीजिए बस हो गए। और चलिए हम लोग अभी इधर इसको छांकते हैं दोस्तों चावल को जो हम लोग दिए हैं फूलने के लिए, और ऐसे ही मतलब गांव में गोबर का लेप लगाते हैं दोस्तों पूजा पाठ के दिन में, सभी लोग करते हैं ऐसे ही आज के दिन में, तो हम लोग भी लगा दिए, तो हम लोग डिजाइनिंग वाला लेप लगा दिए जो पहले लगाए थे। इधर की पानी कैसा गिर रहा है। अच्छा से फूल गया ना। हाँ। चावल अच्छी तरह से फूल गया दोस्तों, अब इसको छांक करके हम लोग चलेंगे स्नान करने, फिर नहा धोवा करके आएंगे, फिर हम लोग इसको कूटेंगे, फिर हम लोग पकवान बनाएंगे, सभी लोग ऐसे ही पकवान बनाते हैं आज के दिन में खास करके गांव में, है ना, अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं। चलिए हम लोग छाक लिए, चलिए पूरा अच्छा तरह से हम लोग का चावल छका गया दोस्तों, चूरा कि नहीं पानी, पानी चूरा चूरा ना, ये देखिए पानी कैसा चूरा। अब इसको रहने देते हैं। हाँ ये पूरा अभी सूखेगा अभी ये चावल, अभी उसके बाद जाके फिर हम लोग कूटेंगे ढेंकी में। दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से चावल को मतलब कि छाक दिए पानी को गराने के लिए, और चलिए हम लोग कपड़ा ले लिए, हम लोग चलते हैं अब नहाने के लिए तालाब में, कहाँ नहाइएगा, तालाब में नहाएंगे, भी कूदेंगे तालाब में, आनंद आता है तालाब में स्नान करने में। चलिए लगा दीजिए, फिर का दीजिए। और इधर बर्तन रखे हुए तो ये बर्तन भी लेके चलेंगे और साफ करना है, और अभी पुआ पकवान बनाएंगे तो अभी इसमें बर्तन उर्तन में भी काम आएगी हमें, ये बर्तन सबका। फटाक्षण जा करके स्नान करते हैं तालाब में, चलिए हम लोग आ गए तालाब में और यहीं हम लोग भी स्नान करते हैं। और आज के दिन में दोस्तों मतलब इधर यहाँ बैल बग मतलब बैल बुफेलो सबको इन लोग मतलब धोते हैं ना, तो यहाँ आए हैं धोने के लिए और सारे लोग। चलिए पहले हम लोग बर्तन मांझ लेते हैं उसके बाद फिर स्नान करेंगे, रिया जी बर्तन सबको फुला रहे हैं, बर्तन मांझने में जो देरी लगेगी नहाने में तो देरी नहीं लगेगा, कूदना सावन माखना बस तैयार।
चलिए पहले लोग स्नान कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों लोग नहा करके आ गए और रिया जी इधर तैयार हो रहे, अपना सिंदूर काजर कर रहे हैं। और अभी लोग चलेंगे दोस्तों अभी चुनी कुटने, और मेरा बाल भी सूखा नहीं है, नहा के जस्ट अभी आए ही हैं अभी। चलिए रेडी हो गए ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग चुनी कुटने चलेंगे अभी, और आकर के हम लोग पकवान बनाएंगे। आज हमारी तरफ घर घर पकवान बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, तो आज हम लोग भी बनाएंगे, क्योंकि चांदनी रोएगी अगर पकवान नहीं बनाएंगे तो। चांदनी जब तक आएगी ना तब तक हम लोग का पकवान रेडी रहेगा। हाँ। वो स्कूल गई है, उसका स्कूल खुल गया है, और हमारे टाइल्स अभी पूरा अभी सुंदर लगने लगा, अभी पूरा अच्छी तरह से सूख गया है। चले हम लोग लेके चलते हैं इसको, सूख गया ना पूरा? हाँ, सूख गया पूरा अच्छे से। दोस्तों अच्छी तरह से सूख गया, अभी तुरंत चलेंगे ना तो तुरंत कुटा जाएगा अभी। हाँ। अच्छा है, चलिए चलिए, क्योंकि चांदनी आएगी ना तो पकवान हम लोग को तैयार करके रखना होगा उसका आते आते। इसको लोग ढाक ले रहे हैं नहीं तो फिर लोग देखेंगे तो थोड़ा फूलेगा नहीं। हाँ, फूलेगा नहीं, रोटी ऐसा मानते हैं गांव तरफ है ना। हाँ। तो चलिए ताली लगा दिए घर को, अब चलते हैं हम लोग चुनी कुटने। उधर हम लोग चलेंगे दोस्तों बस्ती में, और दूसरा का घर हम लोग जाते हैं दोस्तों चुनी कुटने के लिए, क्योंकि हम लोग का घर में ढेकी नहीं है ना, तो पड़ोस में दो घर में ढेकी है, तो वही पड़ोस का घर जाते हैं ढेकी कुटने के लिए, दूसरा का घर है। आज सभी लोग वहाँ कूटेंगे। सुबह से ही कूट रहे हैं, सुबह से ही आज लग गए हैं लोग चुनी कुटने के लिए, 10-11 बजे से आज सब घर में आज पकवान पकेगी। तो दोस्तों लोग यहाँ पहुँच गए ढेकी कुटने, और देखिए यहाँ दो को बच्ची, मतलब मेरे ही पड़ोस की, मेरे ही गांव की बच्ची है, जो ही लोग यहाँ ढेकी कूट रही है। देखिए ये कूट रही है ढेकी टेंग से ढुकुचु करके, और इसकी दीदी है ये उसका रही है, और इधर एक है ये भी मेरी फुआ लगेंगे, ये भी खड़ा है, मतलब पड़ोस के फुआ है, और इधर एक बच्ची है बैठी हुई है, क्योंकि आज सभी लोग आज पकवान बनाएंगे ना, तो इसीलिए इन लोग ढेकी कूटने के लिए आए हुए हैं, तो काफ़ी आज भीड़ है। और देखिए यहाँ लाइन भी लगा हुआ है, लोग से पूछते हैं क्या क्या रोटी बनाएगी बताओ, नहीं पहले अपना नाम बताओ। हाँ, ये शर्मा रही है लड़की, नाम नहीं बता रही है, नाम बताओ अपना। हाँ, वही अपना नाम बता रही है, रीता कुमारी। देखिए लड़की गुस्सा गई, और इसका नाम पूछ रहे हैं क्या नाम है। हाँ, नहीं थोड़ा तेज से सुनाई नहीं पड़ रहा ना। आई अपना नाम मुस्कान बता रही है, ऐसे हम जानते हैं नाम, लेकिन आप लोग नहीं जानते इसीलिए पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं, इन लोग का हो जाएगा कूटा हुआ, फिर हम लोग भी कूटेंगे, है ना। तो कूटी दवाई ना, तो मतलब इसको पूछ रहे हैं कूट देगी ना मेरा भी। हाँ ना, उसका देगी ना मेरा। हाँ, उसका देगी ना मेरा भी। नहीं इन लोग कह रहा, अच्छा कोई बात नहीं, हम और रियाजी कूट लेंगे। हाँ अभी, और ये घर मतलब इन्हीं लोग का घर है, इनका चाची का घर है, तो हम लोग यहीं कूटने आते हैं, क्योंकि इन्हीं का घर में ढेकी है ना। ये देखिए कैसा ढेकुचू कूट रही है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ कूट लेते हैं दोस्तों, फिर हम लोग घर चलते हैं कूट करके। और जैसे कि आप लोग देखे यहाँ ढेकी कूट रहे हैं, और कितने सारे लोग, तो चलिए हम लोग अभी इंतजार करते हैं जब इन लोग का हो जाएगा कूटा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग भी कूटेंगे, क्योंकि हम लोग का है ना दो ही घर में ढेकी है, और भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो रिया जी उधर उसका दे रहे हैं उनका, तो उनका हो जाएगा, फिर हम लोग भी कूटेंगे ढेकी। दोस्तों उन लोग चले गए कूट करके, हम और रिया जी अब बच्चे रह गए यहाँ, तो चलिए हम लोग भी कूट लेते हैं। जैसे कि पिछले ब्लॉग से आप लोग देखे होंगे हम लोग ढेकी कैसे कूटे हैं, तो चलिए हम लोग जल्दी से कूट लेते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे घर और पकवान बनाएंगे। चलिए जी हम फटाफट कूटते हैं आप उसका ये, है ना। दोस्तों लोग चुनी कूट ली अच्छी तरह से, और ये देखिए दोस्तों चुनी हमारा इतना सा चुनी हुआ है, तो चलिए हम लोग अब लेकर के घर चलते हैं, और लोग पकवान बनाएंगे, और चांदनी भी आ गई दोस्तों अभी बाहर में है। हाँ। दोस्तों लोग घर आ गए चुनी कूट करके, चलिए खोलते हैं, जाकर के लोग पकवान अभी पकाएंगे, चांदनी भी आ गई। चलिए हम लोग पकवान अभी पकाते हैं, इधर पानी पी रही है अभी, कुरकुरे खाए तो उसको प्यास लग गया, और रियाजी इधर लकड़ी को ले आए, तो चलिए हम लोग आग जलाते हैं और फटाफट फिर बनाते हैं। चलिए अब रियाजी इधर आग को जला रहे हैं, चांदनी आज क्या रोटी बनेगा? पुआ रोटी। चंदा मामा दूर के पुआ पकाओ गुड़ के, और एक बार बोलो
और एक बार बोलो ना, बोलो ना, और एक बार बोलो ना, और एक बार बोलो ना। तो आग हमारी अच्छी तरह से जल गई है दोस्तों, अब उसे पानी गर्म करने के लिए लोग देंगे, चाशनी बना लेंगे उसके बाद चीनी। हाँ पहले चाशनी बनाएंगे सानने के लिए। हाँ। तो दोस्तों याजी कढ़ाई में पानी डाल दिए हल्का सा, इससे हम लोग अभी चाशनी बनाएंगे और वो चीनी है। हाँ चीनी भी हम लोग डाल दिए कढ़ाई में, अब इसका हम लोग थोड़ा चाशनी बना लेते हैं। हम लोग बनाएंगे दोस्तों चीनी का रोटी बनाएंगे, पुआ रोटी। पुआ रोटी बनेगा ना हम लोगों का? हाँ तो दोस्तों हम लोग बनाएंगे पुआ रोटी, तो पहले चीनी का चाशनी बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो चाशनी है ये पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गई है, देखिए कितने अच्छे से बुलबुला उठ रहा है, बुटबुटी है ना। हाँ अब रियाजी से चूनी डालेंगे, इसको हम लोग सानेंगे। तो चलिए हमारा रेडी हो गया चाशनी, हम लोग अब चूनी को सान लेते हैं। हम पकड़ दे रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, डाले ना अब डाली हो जाएगा। तो रियाजी इसमें चूनी डालते हैं, हम इसको हम चला रहे हैं, नहीं घूमेगा। इसको अच्छे से मिलाइए, इसको अच्छे से मिलाना पड़ता है दोस्तों, इस तरह से चला चला के पूरा, मतलब ये सॉफ्ट है ना। हाँ, पूरा इधर उधर हो रहा, देखिए हमारा चुन्नी ये टाइट होना चाहिए। और दीजिए और दीजिए। तो हम लोग इसको अपने हिसाब से इसको हम लोग सान लेते हैं दोस्तों, अच्छे से टाइट, मतलब थोड़ा सा थोड़ा। और आग आग भी अभी कितना अच्छा से भी जल रहा है, ऐसे करके मिलाना पड़ता है। तो अच्छी तरह से पहले हम लोग मिला लेते हैं चुन्नी को। और चांदनी देखिए इधर खाने में कैसा अभी लगी हुई है, दिखा इधर चांदनी क्या खा रही है, क्या खा रही हो? चॉकलेट खा रही है दोस्तों। अच्छी तरह से हम लोग सान लिए रिया जी के साथ मिल करके चुनी को, और ये रहा थाली में हम लोग रखे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए अच्छे से हम लोग सान लिए, ऐसे करके सानना पड़ता है। और इसको हम लोग पत्ता में लेकर के कढ़ाई में हम लोग तलेंगे, और रिया जी कढ़ाई को यहाँ डाल दिए है। अरे चांदनी का हाथ कहाँ गया, हाथ टूट गया, ये नाटक करती थी, क्या हाथ ये है चांदनी का। तो चलिए हम लोग इसमें अब ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया जादू से, चांदनी का हाथ आ गया जादू से। तुम जादू भी जानती है, स्कूल में जादू मंत्र सिखाया जाता है। हाँ फिर चॉकलेट ले ली मेरा पैकेट से, इसमें लोग तेल डालते हैं दोस्तों, और फिर हम लोग चलेंगे रोटी को। और ये हम लोग पुआ रोटी बन रही है, चीनी का पुआ रोटी। डाल दीजिए तेल, डाल दीजिए, गरम हो गया, डाल दीजिए। तो लोग रिफाइन तेल से अभी तलेंगे, तो चलिए इसको हम लोग गरम होने देते हैं, फिर हम लोग तलना चालू करेंगे। दोस्तों हमारी तेल भी पूरी अच्छी तरह से गरम हो गई है, अब चलिए हम लोग अब इसमें अब रोटी को बनाते हैं। ऐसे हम लोग एक और टेस्ट करके देख लिए, मतलब ट्राई करके कैसी बनती है, तो काफी अच्छा बना, तो चलिए बनाते हैं। और इस तरह से बनाना पड़ता है दोस्तों रोटी, ये प्लास्टिक का ये है, जो तेल तेल था ना ये वही गिर गया, वही प्लास्टिक है। हाँ, इसको अच्छे से इसको हाथ से इसको फैल करना पड़ता है, चपटा इस रोटी पूरी रोटी की तरह। इसको अभी लोग तलेंगे, अब इसमें डाल देंगे। हाँ अभी कढ़ाई में अभी इसको दे करके अभी तलेंगे हम लोग रोटी को, ये देखिए। और काफी अच्छा से हम लोगों की रोटी फूल रही है दोस्तों, ये देखिए। और ये पुआ रोटी है, ये चीनी का अरसा रोटी और पुआ रोटी भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं। हाँ अरसा रोटी और पुआ रोटी, और आज घर घर पकेगी दोस्तों हमारी ये रोटी, पुआ रोटी, अरसा रोटी, खपरा रोटी। तो हम लोग खपरा रोटी बनाए थे, तो इसलिए आज हम लोग पुआ बना रहे हैं, चीनी का पुआ रोटी, ये देखिए कुछ इस तरह से बनते हैं। तो चले लोग अभी इस तरह रोटी को बना लेते हैं दोस्त, तेल से उबल के ऊपर हो जाता। हाँ अच्छे से फूल रहा रोटी, ये देखिए, और कलर भी कितना अच्छा रोटी है, अरसा रोटी। इसे ही डालते हैं। हाँ ये चीनी का अरसा रोटी है, जो आज हम लोग बना रहे हैं दोस्तों दिवाली के अवसर पर। और दोस्तों हमारे रोटी बहुत ही अच्छे अच्छे बन रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों भी हम लोग इतना सा रोटी बना लिए हैं, ये देखिए, और कितना अच्छा अच्छा हम लोगों का बना हुआ दोस्तों। पुआ रोटी चावल का पुआ रोटी है ना, अरवा चावल चीनी का पुआ रोटी देखिए। और गांव में ऐसे ही पकवान बनाते हैं दोस्तों, और पहले के लोग जब मेहमान कहे जाते थे तो भेंट के रूप में ऐसे ही रोटी लेकर के जाते थे, पकवान पका के। तो हो गई है बस, और बस अब तीन चार रोटी निकलेगी, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया।
तो चलिए हम लोग रोटी को पहले बना लेते हैं दोस्तों, फिर आप सभी लोगों को टेस्ट करके बताएंगे कि हमारी रोटी कैसी बनी है। और ऐसे भी चीनी का रोटी है तो बोलने की तो बात ही नहीं, अच्छा ही बना होगा, है ना। बस अब दो पीस बाकी है, नहीं तो सारा हम लोग का हो गया बनाया हुआ। और दोस्तों हमारी हो गई है रोटी पकाया हुआ, और ये रही दोस्तों हमारी चावल की पुआ रोटी। और दोस्तों कितने ही अच्छे अच्छे हमारी रोटी पके हुए हैं, चावल की पकवान है ये, तो गांव में ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों आज के दिन में। और हम लोग टेस्ट करके बताते हैं आप सभी लोगों को कि कैसे बनी है रोटी। खाइए जी, कैसा लगा रोटी? अच्छा लगा। और ऐसे भी चावल की रोटी है, मतलब चीनी की रोटी है तो काफी अच्छा लगता है, चीनी तो ऐसे स्वादिष्ट और टेस्टी होते हैं। और आज के दिन में सभी को पकवान बनाया और सभी को आज खुशी बनाया गांव में, दोस्तों हम लोग भी पकवान बना लिए। और हर एक दिवाली में ऐसी रोटी पकाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।